इसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सिमेंटिक्स के काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस किए सो तो आज हमारा नया टॉपिक क्या है कि सेंटेंस मीनिंग क्या है ये लेक्चर नंबर नाइनटीन होने जा रहा है और ये आज का लेक्चर डिलीवर हो रहा है थ्रू हेल्फ एजुकेशन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टाइम वेस्ट के बगैर आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिफिनीशन से देखेंगे कि सेंटेंस मीनिंग क्या है सेंटेंस मीनिंग रेफर्स टू द मीनिंग कन्वेड बाई अ कम्प्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस सेंटेंस मीनिंग नाम से ही जाहिर है किसी सेंटेंस की मीनिंग लेकिन कौन सा सेंटेंस वो सेंटेंस जो कि एक कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस हो कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस का मतलब कि वो ग्रामर के लिहाज से कम्प्लीट हो उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक कोई कमी ना हो तो वो मीनिंग जो कि एक कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस से कन्वे होते हैं उसे हम कहते हैं सेंटेंस मीनिंग अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं इट इंक्लूड्स बोथ द लिटरल मीनिंग द सर्फेस मीनिंग एंड द इम्प्लाइड मीनिंग द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस यानी सेंटेंस मीनिंग में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं लिटरल मीनिंग का मतलब उसके जो लिटरल uh, मीनिंग होते हैं वर्ड्स के हिसाब से मतलब जो इसके बिल्कुल बेसिक मीनिंग होते हैं जो उसके बेसिक uh, मीनिंग होते हैं लिटरल मीनिंग हम उसी को कहते हैं तो ये भी हमारे पास सेंटेंस मीनिंग में काउंट होते हैं और इसी तरह जो उसके इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं इम्प्लाइड का मतलब जो स्पीकर के माइंड में जो मीनिंग होते हैं वो भी हमारे पास सेंटेंस मीनिंग में आ जाती है मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दूँगा अगर मैं बात करूँ कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कैन यू पास मी द सॉल्ट सॉरी कैन यू पास मी द सॉल्ट अब ये सेंटेंस क्या है कैन यू पास मी द सॉल्ट अब यहाँ पे स्पीकर पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे ये सॉल्ट पास कर सकते हैं तो अगर इसके लिटरल मीनिंग देखे जाएं तो ये एक लिसनर की एबिलिटी को पूछ रहे कि क्या आप ये सॉल्ट पास कर सकते हैं या नहीं लेकिन इसके इंटेंडेड मीनिंग क्या है कि एक स्पीकर अपने लिसनर से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप मुझे ये सॉल्ट पास कर दें तो इस तरह सेंटेंस मीनिंग में हमारे पास लिटरल मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग दोनों इंक्लूड होते हैं अब अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस मीनिंग एनालाइजिंग द मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स एज वेल एज द रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम अब सेंटेंस मीनिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं यानी अगर हमने सेंटेंस मीनिंग को समझना है अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस मीनिंग इन्वॉल्व इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं एनालाइजिंग द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग को एनालाइज करना और इसके साथ साथ इन वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं इनको समझना ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं सेंटेंस मीनिंग को समझने में स्टूडेंट सिंपल सी बात कि सेंटेंस मीनिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग को एनालाइज करते हैं और इसी वर्ड्स के बीच में मतलब जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं ये भी हमें हेल्प करती हैं कि हम सेंटेंस मीनिंग को समझें चलिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं द कैट इज़ ऑन द मैट अब स्टूडेंट ये एक सेंटेंस है द कैट इज ऑन द मैट अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें इन दिस सेंटेंस वी हैव अ सब्जेक्ट द कैट वर्ब क्या है इज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन द मैट इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इंडिविजुअल वर्ड्स क्या है द कैट इज ऑन द मैट लेकिन अगर हम इसके सब्जेक्ट वर्ब और प्रीपोजिशन पे जाएं तो सब्जेक्ट है द कैट वर्ब है इज एंड अ प्रपोजिशनल फ्रेज ऑन द मैट अब मीनिंग क्या कन्वे हुए हैं द मीनिंग कन्वेड इज दैट देर इज अ स्पेसिफिक कैट पोजिशन ऑन अ स्पेसिफिक मैट अब इस सेंटेंस से हमें क्या मीनिंग मिल रही है कि एक स्पेसिफिक कैट है जो कि पुजिशनड है मतलब बैठी हुई है एक स्पेसिफिक मैट पे दर्ड्स कैट मैट एंड प्रोपोजिशन ऑन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवर ऑल मीनिंग अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने बात की थी कि लिटरल मीनिंग और इंटेंडेड मीनिंग अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग भी इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो कैट है जो ऑन है, है और जो मैट है ये तीनों इंडिविजुअल वर्ड्स इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं अब स्टूडेंट जब हम सेंटेंस मीनिंग को डिस्कस करते हैं तो उसके बारे में एक ओबियस पॉइंट है लाइक वाइल डिस्कसिंग देंटेंस मीनिंग देर इज ओबियस पॉइंट और वह क्या है एटलीस्ट इफ़ देंटेंस इज़ स्टेटमेंट अगर हमारे पास कोई सेंटेंस एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट क्या जो कि एक इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करती है जो कि एक कम्प्लीट स्टेटमेंट हो जो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉमेसन देती है इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ द सन्टेंस यू नो वट कंडीशन आर नेसेसरी इन द वर्ल्ड फॉर देट सेंटेंस टू बी ट्रू अब स्टूडेंट इस ये चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग लग रही होगी लेकिन मैं आसान करके समझाता हूँ कि अगर आपको एक सेंटेंस मालूम है और वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट मतलब वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है और आपको उस सेंटेंस की मीनिंग का पता है तो उसके बाद आप ये जानते हैं कि कौन से कंडीशंस है जो कि ज़रूरी है उस सेंटेंस को ट्रू होने के लिए चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ताकि आपको आसानी से समझ आए सेंटेंस है एल्बर्ट थॉम्सन ओपनड द फर्स्ट फ्लोर मिल इन द वाटरटन सेंटेंस क्या है एल्बर्ट थॉम्पसन opened the फर्स्ट फ्लोर मिल इन the वॉटर अब स्टूडेंट ये एक सेंटेंस है वो ये एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट क्या ये एक इंफॉर्मेशन दे रही है अब आपको इसके मीनिंग का भी पता चल गया है मीनिंग क्या कि एक एल्बर्ट थॉम्सन नाम के बंदे ने एक फर्स्ट फ्लोर मिल ओपन किया है कहाँ पे? वाटर पे। अब स्टूडेंट आपको यह पता चल गया होगा कि कौन से वो कंडीशन है जो कि इस सेंटेंस को ट्रू बनाने के लिए ज़रूरी हैं अगर तो ये सेंटेंस ट्रू है तो क्या होना चाहिए देर मस्ट एग्जिस्ट एट टाइम अ पर्सन नेम्ड एल्बर्ट थॉम्पसन अगर तो ये सेंटेंस ट्रू है तो एक ये ज़रूरी है कि एक शख्स एक एल्बर्ट थॉम्पन नामी एक शख्स को का मौजूद होना किसी वक्त में ज़रूरी है इसके साथ एक प्लेस जो कि वाटर टन है इसका होना भी ज़रूरी है अगर तो ये सेंटेंस ट्रू है तो एक इंसान जिसका नाम एलबर्ट थॉम्पसन है वो किसी टाइम पे था एक जगह जिसका नाम वाटर टन है ये भी एक कहीं पे मौजूद है इसी तरह दैट एल्बर्ट थॉम्पन ओपन फ्लोर मिल और एल्बर्ट थॉम्पसन ने एक फ्लोर मिल ओपन किया है क्या और इससे आगे फर्दर डिटेल क्या है कि उसने फर्स्ट फ्लोर मिल ओपन किया है एंड दैट देर वॉज नो फ्लोर मिल इन द वॉटर बिफोर दैट एलबर्ट थॉम्पन ओपन हिज मिल और ये क्या है इन अब स्टूडेंट आपको ये सेंटेंस पढ़ के ही इन सारे कंडीशन का पता चल गया अगर कोई आपसे कहता है कि ये सेंटेंस ट्रू है तो आपके माइंड में आता कि हाँ एक इंसान होगा जिसका नाम एल्बर्ट थॉम्सन होगा उसने फ्लोर मिल ओपन किया है और पहला किया है और पहला किया है तो मतलब इससे पहले कोई फ्लोर मिल वहाँ पे नहीं थी किस जगह पे एक जगह का नाम है वाटरटन तो स्टूडेंट इस तरह सेंटेंस मीनिंग को पढ़ते हुए हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस एक स्टेटमेंट है और आपको उसकी मीनिंग का पता है तो आपको पता चल जाता है कि वो कौन से नेसेसरी कंडीशन हैं जो कि उसको ट्रू बनाने के लिए ज़रूरी हैं और इसी तरह यू नो दैट इफ़ दिस सेंटेंस इज़ ट्रू और अगर आपसे कोई कह दे और या फिर आप जानते हो अगर तो आप जानते हो कि ये सेंटेंस ट्रू है तो अगर कोई दूसरा सेंटेंस बोल दे एलबर्ट थॉम्सन डिड नॉट ओपन द फर्स्ट फ्लोर मिल इन द वॉटर टन तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा क्यों क्योंकि आपको इस स्टेटमेंट का पता है आप जानते हैं ये आपके इलम में है कि ये बात जो है ये एक हकीकत है और ये एक सच बात है तो अगर आपके सामने कोई इंसान बोल दे कि एलबर्ट थॉम्पसन डिड नॉट ओपन द फर्स्ट फ्लोर मिल इन वाटरटन तो आप कहेंगे ये फॉल्स है और ये कॉन्ट्रोडिक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सेंटेंस की मीनिंग से तो जो सेंटेंस की मीनिंग होते हैं स्टूडेंट वो हमें एक ट्रूथ uh, कंडीशंस भी प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ हम उससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी गेन करते हैं अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस मीनिंग क्या है यानी एक सेंटेंस की मीनिंग के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं जैसे तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि लिटरल मीनिंग और उसके साथ उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लेकिन यहाँ पे हम उसको बाकायदा से देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस मीनिंग में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है वर्ड्स वर्ड्स क्या द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस जो इंडिविजुअल वर्ड्स के मतलब अकेले वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो पूरे सेंटेंस के मीनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे सेंटेंस के मीनिंग में पार्ट लेते हैं पूरे सेंटेंस की मीनिंग में एक रोल प्ले करते हैं जैसे कि द कैट इज़ ऑन द मैट अब ये एक सेंटेंस है स्टूडेंट द कैट इज़ ऑन द मैट अगर यहाँ पे मैं इस प्रीपोजिशन ऑन को हटा के कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगा दूँ तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएंगे जैसे द कैट इज़ अंडर द मैट तो अगर मैं यहाँ पे ऑन की जगह अंडर लगा दूँ तो आपको पता है कि इसके मीनिंग काफ़ी चेंज हो जाएंगे अब जो कैट है वो मैट के ऊपर नहीं बल्कि उसकी अंडर है तो इसी तरह अगर कैट की जगह पे हम डॉग रख दें तो इस तरह से भी इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे तो मकसद क्या कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस मीनिंग में पहला कंपोनेंट क्या है वर्ड्स और इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग ओवरऑल सेंटेंस के मीनिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सेकेंड है हमारे पास सिंटेक्स क्या है द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस इन्फ्लुएंस इट्स मीनिंग यानी एक सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और एक सेंटेंस में जो वर्ड का ऑर्डर है ये एक सेंटेंस की मीनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं चलिए इसकी भी एग्जांपल देखते हैं ही इज़ गोइंग टू द स्कूल वो स्कूल जा रहा है अब यहाँ पर अगर मैं वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दूँ कैसे इज़ ही गोइंग टू द स्कूल क्या वो स्कूल जा रहा है तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो गई ये जो वर्ड ऑर्डर है यानी पहले यहाँ पे वर्ड ऑर्डर डिफरेंट था और यहाँ पे अल्फाज का ऑर्डर वर्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो हमने देखा कि किस तरह से वर्ड ऑर्डर जो है वो सेंटेंस की मीनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं पहले सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू द स्कूल वो स्कूल जा रहा है जो कि एक स्टेटमेंट है और सेकेंड सेंटेंस क्या है इज़ ही गोइंग टू द स्कूल ये क्वेश्चन बन चुका है क्या वो स्कूल जा रहा है तो इस तरह से वर्ड ऑर्डर सेंटेंस की मीनिंग को चेंज करती है अब स्टूडेंट जहाँ तक हमारे पास सेंटेंस मीनिंग का टॉपिक कवर हो जाता है लेकिन मैं आपके साथ एक और आ, एडिशनल चीज़ शेयर कर दूँ जो कि है ट्रुथ कंडीशनल सीमेंटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द नोशन दैट द कोर मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस एनी स्टेटमेंट इज़ इट्स ट्रुथ कंडीशंस यानी ट्रुथ कंडीशनल सीमेंटिक्स क्या कहती है कि किसी भी सेंटेंस या फिर किसी भी स्टेटमेंट के जो मीनिंग होते हैं वो उसके ट्रूथ कंडीशंस होते हैं जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एलबर्ट थॉमसन ओपनड द फर्स्ट फ्लोर मिल इन वाटरटन अब उसके जो ट्रूथ कंडीशंस थे कि एक बंदा होगा जिसका नाम एल्बर्ट थॉमसन है एक जगह जिसका नाम वाटरटन है एक टाइम पे उसने फ्लोर मिल ओपन किया और फर्स्ट फ्लोर मिल ओपन किया तो ये जितने भी ट्रुथ कंडीशंस हैं ये सारे ट्रुथ कंडीशंस एक सेंटेंस के कोर मीनिंग बन जाते हैं एक स्टेटमेंट के कोर मीनिंग बन जाते हैं और ये चीज़ हम स्टडी करते हैं ट्रूथ कंडीशनल सिमेंटिक्स में तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हौसला मिलता है सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है कोई चार्जेस आपके नहीं लगते आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो इन नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट लेके आऊँगा आपके सामने तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़